देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी, मीठी चटनी, वो भी चीनी वाली, गुड़ वाली नहीं मीठी वाली। और ये है ढोसा, दाल चावल का नहीं बेसन का। और ये है अप्पे, जो है मूंग की दाल के, इसे कहते हैं बर्गर, बर्गर जो हमारे बनेंगे सूजी से। तो है ना कितना परफेक्ट नाश्ता। और इसे देखते ही तो मन कर आया होगा, सबके मुँह में पानी आ गया होगा इसे बनाने के लिए। और ये इतना टेस्टी है कि इसे आप पार्टी में स्नैक्स के रूप में और अपने बच्चों की किड्स पार्टी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकते हैं, बना सकते हैं। मिनटों में बनने वाली ये डिशेस जो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। तो वेलकम टू कुक विद मेघा। मेघा की रसोई में बन रहा है सबसे पहले बेसन का डोसा। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है, जो मेरा बड़ा वाला कटोरी नाप है उससे लिया है। ये छोटी वाले से सूजी ली है, इतना ही हमें रखना है, यानी 200 ग्राम बेसन है तो इसमें 50 ग्राम सूजी है, इस तरह से आप समझ लीजिए। ये चुटकी भर मैंने हल्दी डाली है, जो 1/4 चम्मच हल्दी है मेरी चम्मच के अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद मैंने ये सादा नमक डाला है, और पानी डालते हुए इसमें गुठली ना रहे उसके हिसाब से हैं इसको धीरे धीरे हाथ से मिलाना है। पानी डालते जाएंगे और धीरे धीरे इसे मिलाएंगे, ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। पहले बेसन और सूजी को फूलने देना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, जितना पानी की रिक्वायरमेंट है। ये मैंने केवल अपने छोटी सी फैमिली 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ये पोर्शन मैंने 3 लोगों के लिए रखा है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी डबल भी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से फैटना है और इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छी तरीके से इसे मिलाते हुए फैटना है, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है जैसे डोसे का पेस्ट होता है। इसको अब हम कुछ टाइम के लिए ढक के भी रखेंगे, इसे हमें ढक के रख देंगे। अब ढक के रखेगा ये सूजी और मैदा दोनों ही अच्छी तरीके से फूल जाएगी। देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया। अब इसमें हम दोबारा से इसमें पानी डालेंगे। इतने हम मसाले की तैयारी करते हैं। मसाले के लिए एक मैंने उबला आलू लिया है, ये फ्रोजन मटर ली है, दो चम्मच बड़ी है, ये आधा मैंने टमाटर लिया है जिसका बीज मैंने निकाल दिया है, केवल गुदा ही है, बीज मैंने इसका निकाल चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं आलू को जो है बारीक वाली कद्दूकस की ग्रेटर की हेल्प से पतला पतला कद्दूकस कर लूंगी। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं, वैसे कद्दूकस करके आलू एक अच्छा बन जाता है। अब इसका एक हम मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच घी डालें, तेल डालें, घी डालें या रिफाइंड जो आपकी मर्जी है, मैंने सरसों का तेल डाला है। उसमें जीरा डाल दिया है 1/2 चम्मच, इसमें अदरक और हरी मिर्च भी डाल दिए जिसमें ये अच्छी तरीके से भुन जाए। 1-2 सेकंड ही मिलानी है, आँच जो है स्लो टू मीडियम रखनी है। अब इसके अंदर मैंने ये फ्रोजन मटर लिया और इसे 5-7 मिनट के लिए हैं गलने देंगे। अब ये अच्छी तरीके से गल गई है, अब इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसके अंदर हम इसमें जो है टमाटर डालेंगे, जो हमने इसमें टमाटर डाले हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी इसकी बढ़ा भी सकते हैं, मैंने थोड़े ही टमाटर यूज़ करे हैं। इस टमाटर का मैंने बीज निकाल चुकी हूँ, तो इसे अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। इसमें अभी कोई मसाला नहीं डालना है, केवल जीरा ही डला हुआ है और हरी मिर्च और अदरक। इसमें को भी हम 2-4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब ढकने के बाद अब इसके अंदर हम फिर से इसके अंदर हम जो मिलाएंगे वो कद्दूकस करा हुआ हमारा जो आलू है उसे मिक्स करेंगे। आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने में इसमें अपने बेसिक मसाले ही जाएंगे, पहले इसको खूब अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें हमने ये लाल मिर्च डाली है जो 1/2 चम्मच है, हल्दी 1/2 चम्मच डाली है, और फिर हमने इसमें जीरा पाउडर डाला है और गरम मसाला डाला है। इस तरह से आप चाहो तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हो। मैंने गरम मसाला डाला है तो मैंने अमचूर नहीं डाला है, ये सूखा धनिया डाला है 1/2 चम्मच। तो ये नमक सबसे लास्ट में मिलाएंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा ऑयल का ही यूज़ करा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये आलू भून जाएंगे। इसका ये हमारा डोसे का मसाला तैयार हो गया है। खूब अच्छी तरीके से हमें इसे भूनना है, जब तक ये जैसे मेरी कढ़ाई छोड़ने लगा है तो इसी तरीके से कढ़ाई छूट जाने चाहिए। इस तरह से हमें बहुत अच्छी तरीके से इसे भूनना है और इसको मीडियम टू स्लो आंच पे ही भूनना है। खूब अच्छी तरीके से भून के इसको रख लें। अब चलिए डोसे की तैयारी करते हैं। इसमें मैंने पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। ये मेरा नॉन स्टिक तवा है, ये नॉर्मल तवे पर भी बन जाता है। इस तरह से इसमें 2 कलची इसमें भर के हम इसमें डाला है और हल्के हल्के हाथ से इसको फैलाएंगे। इसको फैलाते हुए हमें आगे धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ लेकर चलना है और धीरे धीरे इसको फैलाना है। आंच इसमें मीडियम टू स्लो रखेंगे, बेसन बहुत जल्दी आंच पकड़ता है तो इसमें तेज आंच नहीं रखेंगे। हल्का सा हमने ब्रशिंग नहीं करी, हल्का सा 2 बूंद हमने रिफाइंड यूज़ करा है, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसको अच्छी तरीके से हम सीखने देंगे। जब ये सीखेगा तो ये हल्का सा फूलने लगेगा, जैसे इसमें बबल्स आने लगेंगे, इस टाइप से इसमें बबल्स आने रहे हैं।
तो ये हमारा हल्का हल्का सा जो नीचे से हमारा सिकना स्टार्ट हो गया है। इसको धीरे धीरे हम सेकते रहेंगे, इसमें आँच तेज नहीं करनी है, स्लो ही रखनी है और स्लो ही आँच पे हमने इसको सेकना है। बाद में हम इसमें ये जो हमने मसाला बनाया था इसको हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे। इसको जितने आपके मसाले की रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से इसको फैला सकते हैं चम्मच की हेल्प से। इसे देखिए मेरा डोसा बिगर चिकनाई के, मैंने चिकनाई केवल ऊपर लगाई थी, साइडों में नहीं लगाई थी, तो भी मेरा ये डोसा बहुत अच्छी तरीके से सीख रहा है। देखिए हल्का हल्का सीखने लगा है, इसे अभी और सीखने देंगे। इसे अच्छी तरीके से दबा दबा के इसका मसाला है सेक लेंगे। आँच इसमें मीडियम ही रखनी है और 5 से 7 मिनट लगते हैं इस डोसे को बनने में। ये डोसा खाने में उतना ही टेस्टी लगता है जितना हमारा दाल चावल का लगता है, सूजी का लगता है। ये बेसन का डोसा है, आप घर पे इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए ये मेरा गोल्डन ब्राउन सीख चुका है, इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और ये मेरा डोसा बन के रेडी हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा डोसा भी बना लेंगे। ये डोसा मेरा देखिए दूसरा भी बन गया, ये मैंने प्लेन निकाला है, इस तरह से हम इसको प्लेन भी निकाल सकते हैं। ये मेरा प्लेन डोसा निकला है, देखिए कितना अच्छा और सुंदर बना है, चाहे आप बनाए मसाले का और चाहे बनाए प्लेन। अब बनाते हैं दूसरी डिश, ये है मेरे बर्गर। इसके लिए 1 कप मैंने सूजी और 1/2 कप मैंने दही लिया है। इसको अच्छी तरीके से मैं इसे चलाऊंगी और नमक डाल दिया है, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब ये जो मसाला था उसी मसाले को हमने यूज़ करना है, जो हमने डोसे में मसाला यूज़ करा था आलू की स्टफिंग, वही स्टफिंग हम अपने बर्गर में भी यूज़ करेंगे। आप चाहें तो दोबारा मटर स्लिप कर सकते हैं और इसके लिए विदाउट मटर की स्टफिंग बना सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम पैटर्न, सेम प्रोसेस से आप इसको बना सकते हो। अब ये मैंने जो सूजी बनाई है इसमें पानी डाल के एज अ रिक्वायरमेंट पानी डाला है और इसको भी 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे ढक के। अब जब ये ढक के हमने देखेंगे तो ये हमारी सूजी जो है अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब इसमें हम पानी इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से पानी डालते हुए अच्छी तरीके से चलाएंगे। खूब अच्छी तरीके से चलाना है जिससे ये मेरी मोटी सूजी है और ये फिट के पतली हो जाएगी, क्योंकि गल चुकी है, इसमें पानी पी चुकी है सूजी। ये मेरा जो है घोल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 1 इनो का पाउच डाल दूंगी, पूरा इनो का पाउच डालना है और इसके हल्के हाथ से इसको चलाना है। देखिए ये सारे बबल्स इसमें आ गए हैं, ये हमारी जो है बर्गर का पेस्ट हमारा तैयार हो गया। अब हम बर्गर बनाने की तैयारी करते हैं। हमें इसमें कटोरियाँ लेंगे, जो स्टील की कटोरियाँ सबके घर में नॉर्मल कटोरियाँ होती हैं ये लेंगे और इसमें हम ब्रशिंग करेंगे ऑयल की, जो हम रिफाइंड ऑयल की जो है ब्रशिंग कर रहे हैं। आप चाहे तो देसी घी की भी कर सकते हो। अब इसमें जो हमने ब्रशिंग करी है इसके अंदर हम इसके पेस्ट को डालेंगे। आधा आधा इंच हमें खाली रखना है, आधी आधी कटोरी हमें ये खाली रखनी है और हमें इस तरह से इसको भर लेना है। अब इस तरह से भर के हमने एक कढ़ाई में हमने ये स्टैंड रखा है और स्टैंड के ऊपर ये कटोरियाँ, पहले पानी गर्म कर लेंगे, खूब अच्छा खौलता पानी होना चाहिए, खूब अच्छा खोलता हुआ पानी है। अब इसके अंदर ये हम कटोरियाँ रख देंगे। कटोरियाँ हमारी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, सब तरह से इसमें स्टीम लगनी चाहिए। ये मैंने 4 कटोरियाँ बनाई हैं और ये 4ों कटोरियाँ इसी में ही मेरी सेट हो जाएंगी और इसको मैं अच्छी तरीके से ढक दूंगी। इस तरह से ये मेरे बर्गर बनके तैयार हो जाएंगे। ये मेरे सूजी के बर्गर हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बाजार के मैदा वाले बर्गर से बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी होते हैं। आप चाहो तो आप अपनी किटी पार्टी में भी इस स्नैक्स को रख सकते हो और बच्चों की किड्स पार्टी में भी इसको रख सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अभी ये देखिए कच्चा है, सेम इसको हम अभी और 5 से 7 मिनट बनने देंगे, इसको इसी तरीके से ढका रहने देंगे। ढकने के बाद जब हम इसे दोबारा खोलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ये जो है हमारा बर्गर बनके तैयार हो गया है। देखिए ये बर्गर हमारे बन गए हैं, ये फूल भी गए हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, एक नाइफ की हेल्प से इसके एजेस साइडों से निकालेंगे और इसे चारों को इसी तरीके से हम निकालेंगे। देखिए हमने जैसे नाइफ को यूज़ करा इसी तरीके से आप भी यूज़ करिएगा। और ये मेरे बर्गर मैंने अपनी पार्टी के लिए बनाए हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत हेल्दी भी हैं। इसे इस तरह से एक प्लेट में लेंगे और इसको उल्टा रख देंगे, इस तरह से ये इजीली हमारे बर्गर निकल के बाहर आ जाएंगे। ये देखिए मैंने 4ों कटोरियाँ इसमें रख दी हैं प्लेटों में, इस तरह से ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितनी सॉफ्ट बने हैं। ये बर्गर मेरे बन के रेडी हो गए हैं और ये 4 बर्गर हैं। ये मेरे बहुत, अब हल्की सी ऑयलिंग करेंगे एक
पैन में और पैन में इसको हम सेकेंगे। अब बर्गर हमारे सेकेंगे, ये देखिए चारों बर्गर मैंने सेक दिए हैं और इस पर भी है हल्की सी ऑयलिंग करनी है, ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि है हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ये हमारे टेस्टी बने हुए हैं। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे आप ये कमेंट करके बताइएगा, और मेरी ये डिशेज आपको कैसी लगती हैं आप घर पर ट्राई करिएगा और मुझे लवली लवली कमेंट्स करिएगा। मेरी ये रेसिपी है सभी अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये देखिए मेरे बर्गर दोनों साइड से ये सिक चुके हैं, ये टेस्टी बर्गर बन चुके हैं, ये ढक के मैंने बनाए थे, कितने अच्छे और टेस्टी बन चुके हैं। इस तरह से देसी बर्गर बनाइएगा, बच्चों को खिलाएगा, बच्चों को भी हैं अच्छे लगेंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। अब ये बर्गर हमारे ठंडे हो गए हैं, अब इसको हम बीच में से कट करेंगे। कट करने के बाद हैं दो बर्गर को मैं बना कर दिखा रही हूँ आपको। आप इसी तरीके से बहुत सारे बर्गर बना सकते हैं, पहले से भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ये मीठी चटनी है, अभी मैं आपको बताऊंगी ये मीठी चटनी किस तरह से मैंने बनाई है, घर पे ही बनाई है, मिनटों में बन जाती है। और ये चीनी वाली मीठी चटनी है, ये चिली सॉस है, आप चाहें तो पुदीने की मतलब मिंट चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोरिएंडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है उसकी चटनी भी मैंने चिली वाली यूज़ करी है इस तरह से है, क्योंकि ये बड़ों के लिए बर्गर बन रहा है तो मैंने चिली सॉस यूज़ करा है इसमें। ये मैंने स्टफिंग जो मेरे डोसे में की थी वही स्टफिंग मैंने इसके अंदर रखी है। इस तरह से इस स्टफिंग को इसके ऊपर रखेंगे, सेम बर्गर की तरह ही इसको अच्छी तरीके से बना के रख लेंगे। और इसके ऊपर अब हम टमाटर लगाएंगे, फिर हम ये प्याज लगाएंगे। आप चाहें तो पनीर भी लगा सकते हैं, चीज़ भी लगा सकते हैं, बट हमें हेल्दी बनाना है तो हमने ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए बन गया ना हमारा बर्गर। अब बनाते हैं हम अप्पे। अप्पे बनाने के लिए एक बड़ी कटोरी मैंने ये हरे मूंग है जिसे रात को ओवरनाइट मैंने सोक करके रख लिया था, फिर मैंने इसको पीस लिया है। इस तरह से ये मेरा पीसा हुआ है हरे मूंग आ गए हैं। ये भी हेल्दी होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। इस तरह से हम दालें भी बच्चों को प्रोटीन जिस दालों में होता है उसे अच्छी तरीके से दे सकते हैं। ये मैंने पीस लिया है अच्छी तरीके से। अब इसी के अंदर मैं कुछ वेजेस भी मिक्स करूँगी, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने टमाटो इसमें यूज़ करा है, एक ग्रीन चिली यूज़ करी है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो यदि बच्चों के लिए बना रहे हो। ये मैंने मटर यूज़ करी है, जो फ्रोजन मटर है जो बॉयल करी हुई है, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और कुछ नहीं डाला है, किसी तरह का कोई मसाला नहीं डालना है, केवल मैं इसमें काला नमक डालूँगी। काला नमक अच्छा होता है हेल्थ के लिए है, और स्नैक्स में इसे डालना भी चाहिए, ये अच्छा लगता है खाने में और टेस्ट भी बढ़ाता है खाने का। ये मेरा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं जो है ग्रीन ये जो है इनो ही यूज़ करूँगी और इसको मैं अच्छी तरीके से एक पैकेट पूरा इसके अंदर डाल दूंगी। तो डालते ही देखिएगा इसके अंदर कैसे बबल्स आते हैं और ये कितना फूल के दुगना हो जाता है। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी बनता है और हेल्दी भी होता है। इसको आप इस तरह से बनाएंगे और एक आपको एक किड्स के लिए एक अच्छी रेसिपी मिल सकती है, आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं किड्स को, और ये बहुत यमी है। ये मेरे अप्पे आ गए, अप्पा स्टैंड है, इसमें मैंने ग्रीसिंग करी हुई है ऑयलिंग की और पहले से ही, और अब इसके अंदर इसको मैं रखूँगी। इस तरह से मैं इसे बनाऊँगी। आप चाहो तो इसे इडली मेकर में भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसे अप्पे स्टैंड में भी बना सकते हो। मैं इसे अप्पे स्टैंड में बना रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे बनते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में बहुत यमी होते हैं। ज़्यादा मसाले मैंने यूज़ नहीं करे हैं, सिंपल मैंने रखी है रेसिपी। ये मैंने ढक लिया है, ढक के मैंने इसे अपोजिट साइड से बनाऊंगी है। और ये देखिए ये मेरे बन के कितने अच्छे सिक्के बाहर आए हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हल्का सा भी इसमें ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से ब्रशिंग करनी है, ज़्यादा ऑयलिंग हमें नहीं करनी है। इस तरह से यदि आपको लगते हैं कि आपको चिपक रहे हैं तो हल्का हल्का से एक एक बूंद आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है किसी भी तरीके से। इस तरह से हम ये अप्पे भी बना के रखेंगे। ये हमारे पार्टी स्नैक्स हो गए हैं, ये झटपट बन जाते हैं। इस तरह से ये मेरे दो बार मैंने बनाए थे, दोनों बार के मेरे बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, पूरा पेस्ट खत्म हो गया। तो लास्ट वाले में आप देखिए कितने छोटे छोटे दो मेरे बन के तैयार हुए हैं। तो ये ना खाने में उतने ही हेल्दी हैं, उतने ही टेस्टी हैं, और इसे आप झटपट बना सकते हो, आप अपने ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत टेस्टी है। देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कितने टेस्टी बने, कितने यमी बने और क्रिस्पी तो बहुत ही ज़्यादा है। आप चाहो तो इसे सॉस के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ये बनाना इतना ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप इमली का पल्स लिया है और ये मैंने छोटी वाली उसमें चम्मच में चीनी ली है। सबसे पहले इमली का पल्स डालेंगे पूरा अच्छी तरीके से, जो एक मेरा 120 ml था
भरा हुआ, और ये मेरा उतना ही आधा एमएल मतलब 60 ml हमारा पानी गया इसके अंदर। अब ये चीनी है जो 25 ml है, थोड़ी सी चीनी है, यानी चम्मच की बात करें तो 2 चम्मच चीनी है और 6 चम्मच आपका इमली का पल्स है। इसमें लाल मिर्च डाली है, कोई चिकनाई नहीं डाली, कुछ नहीं डाला है, केवल लाल मिर्च डाली है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जीरा पाउडर डालेंगे और फिर हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, नमक और गरम मसाला, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं डालना है। हमने इसमें चीनी डाल दी है, चीनी अपने ही जो है चीनी जो है अपनी चाशनी छोड़ती है, तो इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, इसे किसी तरीके से छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यू ही चलाना है और एक उबाल आने तक इसको मिलाए रखना है, मिलाते रहना है, चलाते रहना है, और जो गैस है वो मीडियम टू स्लो होनी चाहिए। अब सबसे लास्ट में हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला उबाल आने पे ही डालना है, पहले से नहीं डालना है। गरम मसाला खुशबू के लिए होता है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा खिल के उठकर आता है, बहुत अच्छी और यमी चटनी बनी है। इसे आप स्टोर भी 1 महीने तक कर सकते हैं। लास्ट में हमें 1 पिंच रेड कलर डालना है, ये टोटली ही ऑप्शनेबल है, इससे बिल्कुल जो कलर है आता है और ये बिल्कुल बाजार वाली देखने में लगती है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ये केवल कलर के लिए है। आप ये टोटली ऑप्शनेबल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, ये फूड कलर है, ये हेल्थ को नुकसान नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। इस तरह से ये हमारी गाढ़ी गाढ़ी चटनी बन के तैयार हो गया, इसे आप 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो चटनी है, सभी मेरे हैं जितनी भी मेरी डिशेज बनी है सब में मेरी यूज़ होती है, मैं काफ़ी टाइम इसे यूज़ करती हूँ। और ये देखिए मेरी थाली भी बन के रेडी हो गई है, ये मेरे बेसन के डोसे बने हैं, ये अप्पे हैं मूँग की दाल के, और ये सूजी का बर्गर। तो बताइए फ्रेंड्स, आप ये थाली कब अपने घर पे बना रहे हैं? और थैंक यू सो मच आपने मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।